जूते हमेशा से ही सबसे महत्वपूर्ण चीज रहे हैं, क्योंकि वे आपको परिभाषित करते हैं, वे आपके चलने के तरीके को बदल देते हैं। फुटवेयर टेक्नोलॉजी फुटवेयर की हर छोटी इकाई पर काम करता है। ये उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का अध्ययन, जूते की शारीरिक संरचना और प्रकार के अनुरूप सामग्री द्वारा जूते की डिजाइन पर काम करता है। पिछले 3 से 4 दशकों के दौरान भारतीय चमड़ा जूता उद्योग ने बड़े स्तर पर कच्चे माल के भंडार तैयार करना और श्रम एवं प्रबंधन की आपूर्ति के संबंध में कई बदलाव किए हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री ने जूते के ऊपरी भाग और जूते के उत्पादन एवं निर्यात में तेजी से प्रगति की है। लेदर प्रोडक्ट की गुणवत्ता और उनकी कार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी तरह गतिशील है। चमड़े के सामानों के विनिर्माण से जुड़ी सामग्री, तकनीक, मशीनें और तरीकों में काफी बदलाव हो रहा है। फुटवेयर निर्माण में हो रहे परिवर्तन उद्योग में आसानी से चलित होने वाली ठोस मशीनीकरण को लाया गया है। फुटवेयर क्षेत्र के प्रमुख घटक डिजाइन, उत्पाद विकास, क्लिकिंग, क्लोजिंग, अवयव, लास्टिंग और परिष्करण है। नए डिजाइन को आगे बढ़ाने के लिए रेखा चित्र में स्थानांतरित किया जाता है। स्केचेस वांछित पैटर्न से मेल खाते हैं। दरअसल बाजार में जिस तरह के डिजाइन की मांग होती है, उसे ही ध्यान में रखकर इन्हें डिजाइन किया जाता है। वास्तविकता ये है कि डिजाइन को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के आर्थिक और औद्योगिक विकास के इंजन के रूप में देखा जा रहा है। चमड़ा उत्पाद उद्योग में नित नई विकसित हो रही नई पद्धतियां और डिजाइन प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से विश्व में एक निर्णायक भूमिका निभा रही है। रचनात्मक ढंग से तैयार किए गए लेदर और लेदर प्रोडक्ट के रंग, बनावट और अन्य विशेषताएं फैशन वैल्यू को बढ़ाता है। जूते के अवयवों को तैयार करने के लिए चमड़े की कटिंग की जाती है, जिसे क्लिकिंग कहा जाता है। कटिंग डाई जूते के ढांचों से बनाए जाते हैं, जिसमें लेदर को काटने के लिए क्लिकिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस पूरे कार्य में माल को अनुकूल तरीके से खपत करने में ऑपरेटर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जूते के अनुसार चमड़ा और माल की जरूरत को केंद्र में रखते हुए कटिंग का संचालन भी अपने आप में एक खास स्थान रखता है, जो उत्पाद की अंतिम लागत को बहुत प्रभावित करता है। इस चरण में कटे हुए अवयवों से जूते अपना आकार लेते हैं। यहाँ जूते के विभिन्न टुकड़ों अथवा घटकों को एक साथ रखा जाता है, ताकि उसे ऊपरी हिस्से समेत आसानी से सिला जा सके। सुई और धागे की सहायता से जूते के विभिन्न टुकड़ों को जोड़ा जाता है। यहाँ जूते के ऊपरी हिस्से को बड़ी सफाई से सिलने के लिए कुशल हाथों की जरूरत पड़ती है। अंतिम मैकेनिकल ऑपरेशन है शू लास्टिंग, जो फुटवेयर को आकार देता है। लास्टिंग ऑपरेशन से प्राप्त होने वाला आकार स्थायी हो जाता है। इसके बाद इसे हीट सेटिंग मशीन से बाहर निकाला जाता है, ताकि फुटवेयर सामग्री के तंतुओं के उपचार के माध्यम से इसे सही आकार और लचीलापन दिया जा सके। जूते का ऊपरी भाग तैयार होने के बाद आखिर में जूते का तला यानी सोल लगाया जाता है। जूता बनने के बाद दृश्य निरीक्षण किया जाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि सौंदर्य की दृष्टि के सर्वश्रेष्ठ होने के अलावा उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। साथ ही ये भी देखा जाता है कि ऊपर से शानदार दिखने वाला जूता अंदर से भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त होने के बाद कुछ भौतिक परीक्षण भी किए जाते हैं।